हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो हम निकल गए ऋषिकेश के लिए और ये व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम जा रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में, और अलग ये इसलिए होने वाला है क्योंकि हम रुकने वाले हैं इस बार जंगल के अंदर पूरी रात। पूरी रात मतलब पूरी रात, ठीक है ना। ये कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भाई यहाँ भाई हाथी वाथी आता है, यहाँ से जाओ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है भाई, देखते हैं कितना रुक पाते हैं हम जंगल में, और अगर हमें परमिशन मिलती है तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं सुबह। तो गाइस अभी टायर हो गया पंचर, टायर लगवा रहे हैं यहाँ पे। हाँ भैया दिखाओ कौन सी क्वालिटी है। 220। इसका क्या लगाओगे, देने वाला रेट बताओ। 200 ले लगा। उनसे बात तो भाई पंचर लग गया अपना, अब निकलेंगे अपने ऋषिकेश के लिए। भाई अपना नाम बता दो एक बार। साहिल। क्या नाम भाई? साहिल। साहिल भाई ने पंचर लगा दिया हमारा और पैसे भी। हाँ जी। क्या कहा कह रहो? कहा कह रहो भाई ऋषिकेश पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक फार्म हाउस बुक करा है, ये लोकेशन है। अभी दिखाते हैं अंदर का रूम वूम। यहाँ अपनी गाड़ी पार्क होगी, दोनों साइड लॉन है, बीच में सामने अपना विला है। गाइस अभी दोपहर हो रही है, सो के उठ गए और ये है लोकेशन भाई, जगह देख लो। पूरा पीछे लॉन है और ये है प्रॉपर्टी बढ़िया से। चलो तो छत पे चलते हैं, वो छत दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ छत पे। छत तो बहुत बढ़िया है भाई इनकी, पीछे पहाड़ है। ये है भाई, सही है भाई जगह, तो व्यू तो अच्छा आ रहा है। पीछे वहाँ पे रिवर है और उधर पूरा राजा जी नेशनल पार्क है, वो पीछे की साइड। तो देखेंगे शाम को जाएंगे, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। शाम को जाते हैं कुछ जंगल वंगल में। प्लाट खाली पड़े, प्लाट चलते हैं भाई नीचे। भाई प्लानिंग तो थी कैंप में जाके मैगी बनाने की जंगल वंगल में, बट यहाँ होम स्टे में मिल गई गैस और चूल्हा, तो हम यही बना रहे हैं। और ये बन गई है ऑलमोस्ट, खुशबू आ रही बढ़िया वाली। किमची नूडल है भाई ये, रैपर फेंक दिया वरना दिखाता हूँ। भैया आलसी आदमी, ओ आलसी आदमी ये ना उठ रहा भाई, यो ना उठेगा। सही है यार, ले देखे रूम भी दिखाया ना मैंने, ये रूम है देखो, एक डबल बेड ये रहा, एक डबल बेड हो रहा, सामने एसी लग रहा है, ठीक है। इधर अलमीरा की जगह है, ये हो गया अपना बाथरूम, बढ़िया है भाई, ले देखे सब कुछ। प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, पर इसका प्राइस 4 लोगों के लिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है, नॉट बैड। बाहर की लोकेशन देख ली थी ऐसा, मैं दूसरा पैकेट भी खा जाऊंगा कभी किसी बहम में हो, मैगी का खा जाऊं, सोच लो, भूख लग रही है यार। बना लो क्या होता है ये। पानी तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही पानी आ रहा है, निकल तो जाएंगे बड़े प्यार से। इससे ज़्यादा पानी में निकाली है मैंने, लेकिन मेन ये है कि पत्थर में फंस ना जाए। तो भाई अपनी रिवर क्रॉसिंग,
उधर जाना है भाई, कहाँ जा रहे तुम? रास्ता कहाँ दिखी नहीं, रास्ता उस तरफ चलो, उस तरफ चलो, उस तरफ चलो भाई, उस तरफ, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। क्या बात है भाई, नदी वह चल जा रहे, यहाँ फंस गई ना भाई, गड़बड़ हो गई। बढ़िया गाड़ी होती है ना फोर्डिंग, यहाँ सीधा जाते हैं अंदर जंगल में। फाइनली चेतावनी मिल गई है, हम एंटर कर गए जंगल के अंदर आज रात को। वैसे तो हमारा प्लान है यहीं पे रुकने का, पुलिस वाले भाई साहब ने हमें रोक दिया है यहाँ पे, बनियान कच्चे में घूम रहे हैं सर। यस सर, बस आगे तक थोड़ा घूम के आ जाएंगे, अलाउ नहीं है। क्या हुआ, पैदल जाते थे? गाँव भी है ना ऊपर, एक गाँव है ना ऊपर, एक नहीं गाँव तो है इस समय, अलाउ नहीं है ऊपर का। नहीं ऊपर नहीं जा रहे हम तो, यहीं तक आपको मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस समय इधर जाना अलाउड ही नहीं, स्टे करेंगे ऊपर। भाई फाइनली अंकल से इतनी ज्यादा मशक्कत करने के बाद, अंकल क्या इंस्पेक्टर है, उन्होंने हमें इजाजत दे दी जाने की। नाउ वी आर एंटर्ड इन जंगल, रात के बज रहे नहीं शाम के हो रहे, 7 बज रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है? 7 बज गए एग्जैक्ट। तो भाई हम आ गए अंदर की साइड पे, ये देखो दीमक की बावड़ी, खतरनाक सीन होने वाला है। सर ने हमें साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि ये भाई गाड़ी से बाहर मत निकलना, अपने रिस्क पे जा रहे हो आप, कोई भी जानवर कहीं पे भी छुपा हो सकता है, इस पेड़ पे भी तेंदुआ हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम आ गए हैं यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए, रेडी है भाई? डर तो लग रहा है, शक्ल पे डर दिख रहा, कोई बात नहीं, डरना अच्छी बात है। भैया सही कह रहे हैं, पता है ये जंगल भरा हुआ है सो भाई, कुछ प्रॉपर खतरनाक जंगल लग रहा है। लास्ट टाइम जब आए थे ना, और गार्ड लास्ट टाइम जब आए थे और आने में बहुत फर्क पड़ा, समझ लो बात क्या है। शांत रहो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो खाना लग रहा है, जल्दी बना, चल रहे हैं आगे, बनाते हैं कुछ खाने पीने। नहीं नहीं खाना नहीं, क्यों भाई देखो कितना बड़ा दीमक, ये पेड़ है, ये दीमक खा चुकी है, देखो सामने दिख रही है दीमक, ये देखो। हाँ पेड़ है। ओ भाई कितनी सॉरी दीमक है भाई, पता लगेगी तुम्हें वीडियो। कोई नहीं आ रहा यार यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा, मतलब कोई इंसान नहीं आ रहा, सिर्फ हम ही है। तुम्हें इंसान नहीं है, झाड़ी देख रहे हो तुम सोच ही नहीं पाओगे कौन से बंदा जो बोल रहा, सोच सोचिए बोल रहा है। अरे इतना कोई रिस्क नहीं है यार यहाँ पे, तुम मजा ले रहे हो भाई, जंगल है ये, हंसी मजाक लगता है तुमको, लाइफ को इतना नहीं देते रहे। जंगल की शांति, क्या साउंड आ रहा है भाई, 7:15 हो गए, थोड़ी देर में रात हो जाएगी यहाँ पे। आवाज सुनी? गाइस ये है अपना राजा जी नेशनल पार्क, प्रॉपर प्रॉपर जंगल है, और हम परमिशन लेके आए हैं बहुत मुश्किल से, ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, हम बनाने वाले हैं पनीर की भुर्जी, ठीक है। ये अंदर जंगल है, आवाज़ आ रही होगी, सब्जी कट रही है, आग मैं जलाऊंगा, सब्जी काटने की ड्यूटी इन भाई साहब की है। और यहाँ पर अभी हमारे सिवा और कोई नहीं है, प्रॉपर घना जंगल है भाई, वहाँ सामने रिवर बह रही है, मजेदार। राजा जी नेशनल पार्क, बहुत सारा कागज दे दिया यार तुमने तो, अरे एक ही मिला बस, आप चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे लग रहा है। मैं चलाता हूँ इस बार, में लाने का वो कागज में सब निकाल के फेंक दिए। भाई साहब आगे पीछे देखते रहो, आग तो जल रही है।
थोड़ी कड़ी हो जाएगी। क्या जंगल है यार, खतरनाक है। फाइनली इस बार आई गए, रात को वगैरह आप हो गया तो दिक्कत नहीं। क्या कहते बोलो। अरे सुनो सर। हाँ सुनो भाई, आग जलाते जलाते देखना आगे पीछे कोई आना जाए। हाँ पता लगा हम अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं और कोई हमारा खाना बना जाए। ये बात तो सही कह रहे हो भाई, हम खाना बन जाएगा भाई, हम किसी का खाना ना बन जाए। हाँ। हम अपना खाना बना रहे हैं, पंच मारने लग गए हैं, मेरे साथ रह के असर हो गया बढ़िया वाला। तो गाइस फाइनली एक आग जल गई है, फाइनली यहाँ पे रात हो चुकी है ऑलमोस्ट। जानवरों का खतरा तो है ही, बट हम अपनी सब्जी वब्जी बना के यहाँ से निकलते हैं खा पी के। वैसे तो स्टे करने का मूड था बट यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, अब पूरी रात कार में एसी चला के सो नहीं सकते, तो यहाँ से खाना वाना खा के कैंपिंग करके निकलेंगे अपना। तो भाई अपने पनीर भुर्जी बन रही है, शिमला मिर्च प्याज डाल दिया इसके अंदर, अब डालेंगे थोड़ी देर में पनीर। रात हो गई है भाई, सुनील सर रात हो गई है जंगल में। ये तो नाइट विजन चल रहा है थोड़ा सा, तो अच्छा लग रहा है, दिन जैसा दिख रहा है, बाकी तो फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ ऐसे जंगल में रात को। हम कुछ बना रहे हैं खा रहे हैं, खतरनाक है जंगल बहुत ज़्यादा। इनको कन्विंस करना पड़ा मुझे यहाँ लाने के लिए, क्यों भाई खतरनाक जंगल है भाई। सडनली एकदम मोर की आवाज़ आने लग गई यहाँ पे, कुछ मत पूछना अभी इनसे, बात ही मत करो। सडनली पक्षियों की आवाज आने लगी। नहीं खाना बन रहा है अपना, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ इसीलिए आपके सारे में भी बैठ रहे हैं। गाड़ी मैंने कहा ये देखा, मैंने गाड़ी लगी है, गाड़ी क्या है उसके सामने कुछ भी नहीं, हमारी जो है कि वो मैक्स वाली गाड़ी पीछे पड़ जाती है मैक्स, जबकि फतरों में भागती है मैक्स। अच्छा हाँ जी, गाड़ी के बाद बच्चों वाला गाड़ी के पास आ जाएगी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या? मैंने तभी तो देखा, अच्छा हाथी का, बाकी आप रात को गाड़ी छोड़ दो कोई नहीं खाएगा, हाथी तोड़ेगा, कोई मनुष्य नहीं छेड़ेगा, चोरी डकैती कुछ नहीं। अब गड़वा गाड़ी के वाहन में तो भी मारता है हाथी, मारता क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी में छेड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना एंजॉय करो। लेकिन इतने दूर दूर तक हाँ भी यही बैठ जाओ हमारे साथ ही, कोई दिक्कत नहीं, आग जल रही है, डरता नहीं है कुछ भाई, जल्दी आ रही है। अपनी पनीर भुर्जी बन के रेडी हो गई है, तो ये भैया हमारे साथ बैठ गए यहाँ पे, हमारे सारे ये अकेले जा रहे थे पैदल, इन्होंने गाड़ी देखी तो ये भी रुक। तो भाई अभी हमें यहाँ जंगल से जाना है, रात हो गई है, 8 बज गए हैं, अब बस ये खा के हम निकलेंगे यहाँ से। अपनी पनीर भुर्जी बन गई है, बहुत टेस्टी लग रही है ये। बड़े रात हो गई है, रात के बज रहे 10, हम यहाँ से निकल रहे हैं जंगल में से, कोई भी नहीं है यहाँ पे हमारे अलावा। और अभी पीछे भैया मिले थे हमें यहाँ के लोकल गांव के थे, तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया, कि यहाँ पे हाथी आता है, हाथी गाड़ी पलट देता है ये, और वो फलाना टिकावा। तो भाई देखते हैं, भगवान का नाम लेके हम निकल गए यहाँ से, जय बजरंग बली। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर हमें बाहर जाना है, और पहाड़ों का 4 किलोमीटर तो पता ही है भाई कैसा होता है, जंगल का कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, जंगल है, सिर्फ जंगल है। क्या हुआ? सो मिस्टर सुनील, हाउ इज द एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मजा आया सुनील जी? रात में हम जंगल में ड्राइव कर रहे हैं, देख लो भाई,
भाई थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा है, बट कोई नहीं, जाना तो वही घर पे, जंगल से तो निकलना ही है। डर तो लगेगा ही भाई, जंगल में है जो रात को 10 बजे। क्यों भैया? हाँ भाई, कैसा मजा आ रहा है जंगल में? पनीर मुर्जी कैसी थी? बहुत बढ़िया भाई, ये मजा आ गया बहुत ही। ऊबड़ खाबड़ रास्ता, सारे पत्थरों से सब टूटे पड़े यहाँ पे रास्ते के। तो वैसे यार रात को हम यहाँ पे स्टे करते, बट क्या हुआ बहुत ना ज्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, बारिश वारिश कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथी का भी इतना डर, मतलब जिस जगह पे हम कैंपिंग कर रहे थे वहाँ पे हाथी नहीं आता, और आता तो हमें दिख जाता, बाकी वो बात अलग है। रात को हम सो रहे थे तो हमारी गाड़ी पलट देता, बट ये थोड़ा रिस्की एरिया आ गया। दिखाता हूँ आगे भाई, इस जगह पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी रात के हो गए हैं अब 11:30। थोड़ा सा आगे रिवर क्रॉसिंग थी तो वहाँ से निकले हम, रात को 11:30 बज गए निकलते निकलते, और अभी भी हम जंगल में ही भटक रहे हैं। पता नहीं कोई गलत कट ले लिया है क्या हुआ है। ये देखो कैसा रास्ता आ गया भाई, गड्ढे पड्ढे। चलो यार यूट्यूबर भाई, यूट्यूबर तुम ऐसे से करवाओगे? चलो भाई ऐसे जगह पे होगी तुम मौका भी नहीं, कहाँ जंगल में जाने का प्लानर वाला। ओ भैया, ओ भाई आवाज आई, सुन आवाज आई, कुछ आवाज आई, आवाज नहीं, गाड़ी लगी तुम्हारे नीचे से। हाँ वही आवाज आई। अब वो कह रहे थे यहाँ साइड से हाथी दब्बा दे देगा या इस साइड से हाथी दब्बा दे देगा। ज्यादा मजा लेते हैं, मजा बनती है सजा समझा। भाई कहाँ आ गए? चलो ऊपर चढ़ाओ, इधर लेफ्ट में ऊपर खावड़ रोड है। अबे कहाँ जा रहे हो? उधर नहीं है रोड, देख लो रोड किधर है पहले, उधर है कि हाँ सीधा ही तो है, सीधा रोड लॉन्ग। तुमने लाइट भी तो दूर की नहीं जला रखी यार। अरे वो बस तुम्हारा, मेरे से ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? माशाल्लाह भी जंगल में गुजार दोगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। यही छोड़ दूं अगर सुनील सर, मैं आपको यही छोड़ दूं फिर जंगल में, जंगल देख लो आप कैसा है, जंगली जानवर दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आपने रात भर यहाँ पे सरवाइव कर लिया सुबह तक, तो आपको मेरी तरफ से मेरा आईफोन गिफ्ट है, कर लोगे बताओ? ले लो, एक पेड़ पे चढ़ देना पकड़ के, किसी पेड़ पे ढलान नहीं चढ़ाई, अरे किसी पेड़ को पकड़ के चढ़ जाना उसके ऊपर, कोई बात नहीं देख लेंगे। आईफोन मिल जाएगा भाई, चढ़ाई आ गई भाई, चढ़ाई 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 आ गई चढ़ाई। चलने का सब कुछ करना भाई, चलो भाई। अंदर की लाइट बंद करें? अंदर की लाइट अभी बंद करो, करनी है तो कर दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जंगल में ही अभी तक हम, पता नहीं रास्ता भटक गए क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा मुझको। पहुंच तो जाएंगे बाहर, नहीं तो भाई किस पे कॉल करनी पड़ेगी, कौन सा नंबर होता है इमरजेंसी का? कॉल करने लायक नहीं बचेगा, जल्दी चलो भाई। ये कैसी रोड आ गई, लेकिन कुछ भाई रात के बज गए 1, हम बाहर निकल गए, वन्य जीव की चेतावनी यहाँ पर दिख गई है, दिखा दो भाई थोड़ा सा। भाई एक्चुअल टाइगर रिजर्व में थे हम रात को, 1 बज गए हैं। बोर्ड दिखाओ, बोर्ड वो वाला। अरे भाई जंगल भी दिखाना जरूरी है, सब दिखा दिया वो, दिखा दिया मैंने वो, मैं वो दिखा दिया। चलो भाई चलो, फोन लो, वो बहुत अच्छा दिखाया और जंगल का जो व्यू है वो बहुत अच्छा। गाइस 1 बज गया रात का, फाइनली हम यहाँ जंगल से निकल गए, फाटक क्रॉस कर लिया है, नाउ वी आर सेफ, नाउ वी आर सेफ ब्रदर। गाइस 2 बज रहे हैं, जंगल से तो बाहर आ गए हैं, चिल्ला वाली रोड पे हैं, अब हम खा रहे हैं जो हमने बनाया था, अब खा रहे हैं क्योंकि वहाँ से तो भाई आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई थी जंगल में, तो हम वहाँ से निकल लिए। कैसा बना? बहुत अच्छा बनाया यार आपने, बहुत हेल्दी फूड है, बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। भी लकड़ी का बना के खाया हमने, अच्छे से खाना, बहुत मस्त है। एक तो ऑर्डर का पेड़ मेरी तरह पेड़ ही होता है, पानी वानी की बूंदी क्या रखी है। काफी लंबा
ये देखो ये हाइना हाइना ओए हाइना सुन ले जरा उठा जल्दी देखो यार अबे हाइना यार जल्दी देखो कितना बड़ा साइज है यार क्या साइटिंग हुई है स्ट्राइप्ड हाइना ये तो वो जो गया झाड़ी में गया बे यार अरे रे क्या सही है यार ये तो भाई साहब मिस कर दिया भाई सुनील भैया आपने यार सुनील सर मिस कर दिया भाई राजा जी नेशनल पार्क के गेट पे आ गए हैं मेन गेट है ये देखो भाई एंट्री गेट अभी नहीं ये देखो मेन गेट है ये है अंदर सफारी गेट ये फाटक खुला हुआ है क्योंकि कावड़ वाले की वजह से हमने थोड़ा फायदा उठा लिया है पूरा भाई जंगल वाला रोड है और यहाँ पे हाथी बाघ ये देखो हिरन क्रॉसिंग बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह यहाँ पे सब जानवर हैं इस रोड पे पहली बार रात को 1:30 बजे मैं घूम रहा हूँ खतरनाक है भाई ये रोड बहुत डेंजरस है डेंजरस है एडवेंचर भी बहुत है अच्छे बात नहीं हाथी आता है भाई यहाँ पे दिखा तो था लास्ट टाइम दिखा था यहाँ पे हाँ लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी यहीं पर इस रोड पे हाथी आता है लेपर्ड आता है बाघ भी कभी कभी दिखता है वंस इन अ ब्लू मून दिखता है बाघ यहाँ पे जंगल बट भाई ये प्रॉपर बारिश की वजह से बहुत दिख नहीं है कौन सा हाथी आया कौन सा कुछ आएगा राइट दे कैन हिट गाइस रात के बज रहे 2 आ गए हम अपने होम स्टे पे ये अपना होम स्टे है दोनों तरफ लॉन है भाई बढ़िया बहुत बढ़िया जगह है ये प्रॉपर्टी इनकी फार्म हाउस है गाइस रात के बज रहे 3 हम आ गए हैं अपने होम स्टे पे ये हमारे सुनील भाई साहब नारायण भाई की भाई साहब स्पाइसी मैगी स्पाइसी ओ तगड़ी वाली चल डाल दो जितनी मिर्ची सारी डाल दो सब डाल दो भाई अपना एसी चल रहा है बढ़िया सीन है ये इन भैया ने मैगी बनाई है और इस मैगी का इतना गंदा टेस्ट आ रहा है भाई फीडबैक तो दूंगा ना ये एकदम ना मतलब लुगदी सी बन गई है एकदम फीका टेस्ट है पैसा बर्बाद बहनचो एकदम बेकार टेस्ट है भाई इस मैगी का ऐसा लगा दलिया खा रहा हूँ मैदा का दलिया ही कैसी है मैगी खा के बता जरा कैसी है अच्छी है हलवा तो भाई जाके जा रही है कावड़ की स्पीकर देखो इसकी अंतरिक्ष में आवाज जाएगी सीधा इतना बड़ा भाई खतरनाक बोले स्पीकर देखो भाई इनके बढ़िया बढ़िया जाके है भाई इस बार लग रही है भाई कुछ तो हुआ यहाँ पे खड़ा ही खड़ा हो गया भाई समझ नहीं आ रहा ना अरे ट्रक चढ़ गया इधर एक्सीडेंट हुआ